बड़े धुरंधर आए थे कनेरी से चल के मेरे वार्ड में बाई इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे के दम पे। उस वक्त छल बल तल सब उनका था। इस बात में जो आप अभी बता रहे हैं, अगर इसमें सच्चाई होती तो करोड़ों रुपया उसने खर्चा किया था, मैं हार जाता उसके सामने। लेकिन उसकी जमानत जब्त कर दिए, वो वापस कनेरी चला गया। रबर स्टैम्प बना के दलवी साहब ने एक कैंडिडेट तैयार किया था जिस जो हम लोग पसंद नहीं कर रहे थे। वो एक सेकुलर पार्टी में रह के वो महासभा में एक लेटर देती है कि ये कत्ल खाना बंद होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोगों को वो दिमाग में था कि ये आज ये महापौर नहीं बनी तो इनके ये हाल है, आगे जब महापौर बनेंगी तो क्या होगा हम लोग। उन्होंने कांग्रेस के 18 नगर सेवकों को लालच देके, मैं पूरी तरह से कहूंगा लालच देकर छोड़कर जो है वहां पर महापौर बनाया। विलास पाटिल को अगर हमने सपोर्ट किया है तो पैसे के लालच में नहीं किया। और जावेद भाई अच्छी तरह जानते हैं, कांग्रेसी अच्छी तरह जानते हैं कि उस टाइम उसके पहले भी 3-3, 4-4 करोड़ लोगों ने ऑफर किया, हमने उसको ठुकरा दिया। तो जिस तरह से आपके ऊपर आरोपों के आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, इन 18 लोगों ने पैसे की लालच में, मतलब बाकायदा लालच का वर्ड इस्तेमाल किया गया कि पैसे की लालच में जो है इन्होंने महापौर को सपोर्ट किया, जो मौजूदा महापौर उनको सपोर्ट किया। 18 नगर सेवकों को लालच देके, मैं पूरी तरह से कहूंगा लालच देकर तोड़कर जो है वहां पर महापौर बनाया। नहीं देखिए, हम लोग पहले से ही मीटिंग में जब हम लोग कांग्रेस में थे तो हम लोगों ने साफ साफ, हमारे कांग्रेस के उस टाइम अध्यक्ष शोएब गुड्डू थे और हमारे जावेद दलवी साहब उस टाइम महापौर थे, हमने साफ साफ कह दिया था कि आप मनोज मात्रे की लड़की को, औरत को, मनोज मात्रे की औरत थी ना, मनोज मात्रे की औरत को आप लड़वाइए, हम उसका साथ देंगे। मगर रबर स्टैम्प बना के दलवी साहब ने एक कैंडिडेट तैयार किया था जिस जो हम लोग पसंद नहीं कर रहे थे। वो एक सेकुलर पार्टी में रह के वो महासभा में एक लेटर देती हैं कि ये कत्ल खाना बंद होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोगों को वो दिमाग में था कि ये आज ये महापौर नहीं बनी तो इनके ये हाल है, आगे जब महापौर बनेंगी तो क्या होगा हम लोग। इसकी वजह से कोई कितना भी बोले, 2.5 साल जावेद भाई महापौर थे, भिवंडी की क्या हाल थी सबको मालूम है। विलास पाटिल को अगर हमने सपोर्ट किया है तो पैसे के लालच में नहीं किया। और जावेद भाई अच्छी तरह जानते हैं, कांग्रेसी अच्छी तरह जानते हैं कि उस टाइम उसके पहले भी 3-3, 4-4 करोड़ लोगों ने ऑफर किया, हमने उसको ठुकरा दिया। तो पैसे के लिए हम बगावत हमने किया नहीं, हम विकास का काम कर रहे थे। हमको हमारी लड़ाई थी कि रोड हमारे यहाँ का बनना चाहिए। जावेद भाई 2.5 साल थे, 5 लाख का भी काम हम लोगों ने नहीं करा पाया। एक सवाल मेरा आप सबसे है, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पे जो है 15-20 साल से महापौर है, कॉर्पोरेटर है, तो थोड़ा सा क्या वाकई में जो राजनीति में जब आप लोग चुन के जाते हो तो वाकई में शहर के हित के लिए, जनता के हित के लिए जो है काम करने की ऐसी चर्चा होती है कि जो सिर्फ ठेकेदारी और अपने मुनाफे के लिए जो है काम तय होता है? क्योंकि जिस तरह से हम लोग देखा जा रहा है, तो थोड़ा सा मैं आप लोग से एक सच्चा जवाब चाहूंगा। उसका जवाब आपके सामने, आपके सवाल में आपका जवाब है कि हम विकास के काम के लिए जाते हैं, हम विकास करते तभी तो आवाम हम लोग को 15-20 साल से चुन के दे रही है। हम अगर विकास नहीं करते तो आवाम हमको रिजेक्ट करती। नहीं, वो फिर बात जैसे इलेक्शन आते तो 500 रुपये और ढाबा भी तो चलता है ना। नहीं, हमारे वार्ड के लोग ना 1 रुपया लेते हैं ना ढाबा खाते हैं, ईमानदारी से हमारे साथ लोग देते हैं। और जो लोग इल्जाम लगाते वो खुद करते होंगे और उनको ही मालूम है। जो देखिए, बड़े धुरंधर आए थे कनेरी से चल के मेरे वार्ड में बाई इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे के दम पे। उस वक्त छल बल तल सब उनका था। अगर ये इस बात में जो आप अभी बता रहे हैं, अगर इसमें सच्चाई होती तो करोड़ों रुपया उसने खर्चा किया था, मैं हार जाता उसके सामने। लेकिन उसकी जमानत जब्त कर दिए, वो वापस कनेरी चला गया। जी, ठीक।